मेरे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको करके देख सकते हो, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। पहली 5 प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं उनका माध्य निकालना है। तो प्यारे बच्चों पहली 5 प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और 5। इनका माध्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। आंकड़ों का योग हो गया, बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है 5 का निकालना है तो बटे में 5 आ गया। अब देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 है, तो 15 बटे में 5, 5 एकम 5 5 3 15, तो 3 आ गया हमारे पास। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा वो क्या होगा, 3। तो 3 हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन लिया गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। ध्यान रखें कि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कैसी है, विषम है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसके दो गुणनखंड हो, एक तो वो खुद और एक एक, इसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। तो अभाज्य संख्याएं हमारे पास कितनी लेनी थी हमें, पहली 5, तो 2 से शुरू होगी, तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है वो सम है, बाकी सारी विषम है जितनी भी होगी। तो इनका हमें क्या करना है, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, कितनी है ये 5, तो 5 से भाग कर देंगे, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 17 और 11 28 बटे में 5, 5 पे कैंसिल करेंगे, देखो 5 5 25, 3 बच गए, 0 ले ली, दशमलव लगा दिया और 5 6 30, तो ये आ गया हमारे पास 5.6। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें 5.6 है, एक 6.6 7.7 और एक है इनमें से कोई नहीं, तो 5.6 हमारा आ रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वर्ग अंतराल की निचली और ऊपरी वर्ग सीमाओं, निचली और ऊपरी की जगह पे वो निम्न और उच्च वर्ग सीमा भी लिख सकते हैं। तो निचली जिसको हम निम्न भी कह देते हैं और ऊपरी जिसको हम उच्च भी कह देते हैं, तो निचली और ऊपरी वर्ग सीमाओं के औसत को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम ये ले जैसे जैसे इसमें लेते हैं तो निम्न वर्ग सीमा होगी 10 और उच्च वर्ग सीमा होगी 20। तो यहाँ क्या है कि कहा गया है कि इसका जो औसत है, औसत मतलब इन दोनों को जोड़ के 10 जमा 20 बटे में 2, यानी कि 30 बटे में 2 कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये जो 15 आया है इसको क्या कहते हैं, औसत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बारंबारता, नहीं बारंबारता तो नीचे होती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता तो इनका जोड़ होता है, जैसे 7 7 में 12 जोड़ दिए, फिर 18 और जोड़ दिए, फिर 20 और जोड़ दिए, फिर 6 और जोड़ दिए, उसके बाद है वर्ग चिन्ह, हाँ बिल्कुल सही है, और चौथे ऑप्शन में देखो माध्यक, माध्यक तो कुछ और ही चीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। जैसे हम मध्य बिंदु निकालते हैं उसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 64 54 38 60 57 54 60 38 60 और 57 का बहुलक है। मेरे बच्चे बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। अब देखो हमारे पास 64 आया, एक ही बार आया और तो कहीं नहीं है 64, फिर उसके बाद 54 कितनी बार आ रहा है, 64 तो हो गया, देखो 54 1 2 बस 2 बार, उसके बाद आ गया 38 38 1 और 2 38 भी 2 बार आ गया, उसके बाद 60 1 2 3 60 आ गया 3 बार, उसके बाद आ गया 57 1 2 57 आ गया 2 बार।
देखो चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है ना, देखो एक और दो तीन और तीन, एक और दो तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ और दो दस, ठीक है दस के दस आ गए। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, तीन बार है, और कौन है तीन बार, साठ, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, साठ, तो साठ ही हमारा बहुलक है, तो बहुलक कितना है इसका, साठ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है कि अब की बार इसका माध्यक ज्ञात करना है, जो आंकड़े दे रखे हैं 20, 25, 8, 9, 18, 22, 15, 17, 14 और 11, इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब बीच की संख्या। अब बीच की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको या तो आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा या घटते क्रम में। तो हम इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आठ, सबसे पहले आठ लिख दिया, फिर उसके बाद नौ है, फिर उसके बाद ग्यारह, आठ आ गया, नौ आ गया, फिर उसके बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद हमारे पास पंद्रह, सत्रह और अठारह, उसके बाद पंद्रह, सत्रह और अठारह, तो ये हमारे पास पंद्रह आ गया, सत्रह आ गया, अठारह आ गया, अठारह के बाद हमारे पास है बीस, बीस के बाद बाईस, बाईस के बाद पच्चीस, तो 20, 22 और 25। प्यारे बच्चों एक बार चेक जरूर कर लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब देखो ये गड़बड़ रहेगी ना, यहाँ पे एक संख्या रह गई हमारे पास, कौन सी रहेगी, देखो यहाँ पे हमने निशान लगाए थे तो ये 14 रह गया हमारे पास, 14 कहीं आया ही नहीं क्योंकि ये हमारी 10 है और ये 9 है, तो 14 यहाँ पे 15 से पहले आएगा, तो यहाँ पे 8, 9 और 11 के बीच में, यहाँ पे इससे पहले 11 है और उससे पहले 8 और 9 है, तो अब ये हमारे पास कितनी संख्याएं होगी, पूरी होगी, सारे की सारी हमने कैसे लिख दी, आरोही क्रम में लिख दी। अब प्यारे बच्चों इसके बीच में जो बीच में संख्या है वो निकालनी है। अब देखो n का मान एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है, ये तो n का मान हमारे पास 10 है, ये सम है, अगर हम इसको 2 से भाग कर दे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पांच इधर हो जाएंगी एक दो तीन चार पांच, और पांच इधर हो जाएंगी एक दो तीन चार पांच, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, हमने तो देखो इसको 2 से भाग किया, आधी उधर चलेगी आधी उधर चलेगी, बीच में कुछ नहीं बचा और हमें बीच की संख्या निकालनी थी, तो हम अगर ये लेंगे तो इधर 4 रह जाएंगी इधर 5 हो जाएंगी, और अगर ये लेंगे तो इधर 4 रह जाएंगी इधर 5 हो जाएंगी, हम दोनों को ले लेते हैं, 15 को और 17 को दोनों को लेकर 2 से भाग कर दिया, ये 32 बटे में 2 यानी कि कितना आ गया, 16 आ गया, तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका जो माध्यक आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16 आ गया। अब प्यारे बच्चों आप ये देखिए, जैसे 3, 8, 10, 17, 25, 38, 40, अब आप देखिए मान लो ये आंकड़े होते जिसको हमने आरोही क्रम में लगा लिया, अब इसका माध्यक निकालना पड़ता, अब आप देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, सात है ये सम था, अब की बार इनका मान 7 है, विषम है, अब विषम संख्या तो 2 से भाग नहीं होती, अब 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा और जो 1 बचेगा वही बीच में, अब 7 है, 7 के बटे में 2 किया तो 6 तक तो पूरा पूरा कट गया, 6 होता तो 3 आ जाता, तो 3 इधर रहेगी और 3 इधर रहेगी, तो ये बीच में आ गया हमारे पास, तो माध्यक हमारा कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि जो संख्याएं है अगर वो विषम है फिर तो एक ही है जो बीच में बचेगी, और अगर वो सम है तो हमें 2 लेनी पड़ेगी, उसको 2 से भाग करके देख लेंगे कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, 2 से, अब 10 को 2 से भाग किया 5 आ गया, यानी कि एक तो 5 भी लेनी पड़ेगी और एक इससे अगली लेनी पड़ेगी, देखो एक दो तीन चार पांच, पांच और एक इससे अगली, मान लो 18 संख्याएं हो तो 2 से भाग हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो एक तो 9वीं लेनी पड़ेगी और एक 10वीं, नौवीं और दसवीं जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ के और बटे में 2 करके हमारे पास माध्यक आ गया। और अगर 1900, अब 1900 देखो भाग होता नहीं, संख्याएं अगर 19 है, 19 तो 2 से भाग होता नहीं, तो आप इसमें एक प्लस कर दो, 19 और एक 20 हो गया, तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10वीं संख्या लेनी है। जैसे 7, 7 था, 7 तो 2 से भाग होता नहीं, 7 में एक प्लस करके फिर 2 से भाग कर दो यानी कि 4 आ गया, तो चौथी संख्या ले ली थी हमने, देखो एक दो तीन चार, तो इस तरह से आपको ये करना है।
प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, सारणी में दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग बताना है हमने। तो पहले तो ये देखो बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 7, 12, 18, 20 और 6। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 20 है, तो 20 का बहुलक वर्ग क्या हो गया 30 से 40। बस 30 से 40 इसका आंसर आ गया। देख लो इसमें कितना है, 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो 30 से 40 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उपरोक्त सारणी का वर्ग माप है, ये जो सारणी दी हुई है इसका वर्ग माप बताना है। कितने का डिफरेंस है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 10-10 का डिफरेंस है, यानी कि इसका वर्ग माप कितना है, 10 है। तो वर्ग माप है हमारे पास 10, 10 है हमारे पास बी ऑप्शन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, उपरोक्त सारणी में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले तो बहुलक वर्ग देखना है, तो बहुलक वर्ग तो हमने देख लिया था कि बहुलक वर्ग 30 से 40 है, तो इसकी निम्न सीमा 30 है और ऊपरी सीमा 40 है, तो निम्न या निचली सीमा कितनी है, 30। तो निम्न सीमा 30 है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ये बड़े इस तरह के आंकड़े जिसमें वर्गीकरण कर रखा है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है हमें, बराबर क्या होगा, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे में एफ और गुना में एच। तो प्यारे बच्चों ये वर्गीकृत आंकड़ों में ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहां पे एल हमारे पास निचली सीमा है, एन हमारे पास आंकड़ों की संख्या है, एफ हमारे पास बारंबारता है, सी एफ हमारे पास संचयी बारंबारता है उससे ऊपर वाली, और एच वर्ग माप है, क्लास साइज है, वर्ग माप है। तो ये वर्गीकृत आंकड़े निकालने के लिए माध्यक का, वर्गीकृत आंकड़े हैं जो उनका माध्यक निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। तो कह रहे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।